अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय आसिम जुफा। इसको मैंने अनस्टिच भी शेयर किया था, बट कुछ लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं स्टिच की भी वीडियो शेयर किया करूँ, तो ये स्पेशली उनके लिए। और अच्छा, इसकी प्राइस है, अनस्टिच की प्राइस है 7,350 रुपीज़, और हमने इसको कस्टमाइज स्टिच किया है स्मॉल साइज पे। लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, जैसे कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ अपनी वीडियोस में कि आसिम जुफा के सूट्स में स्पेशली स्टिचिंग बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उसके मैं वीडियो में जो है वो रीज़न बता दूँ, और इसकी अनस्टिच वीडियो देख सकते हैं, और अब स्टिच देख के इसको कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। ये जो लेसेस हैं, ये पूरी ऑर्गेन्जा के पैचेस थे, पूरे यहाँ से लेकर ये सारे एप्लिक किए हैं, और एप्लिक करके इसके बीच से ऑर्गेन्जा पूरा गायब कर दिया, तो इट लुक्स लाइक एम्ब्रॉयडरी। इसके जो है ये सारा इसके ऑर्गेन्जा था, इसके बीच में सारे पत्तों और इसके बीच में सारा कुछ बिल्कुल नीटली इसको कट कर दिया। फिर ये वाला बॉर्डर था स्ट्रेट, इसको दोनों साइड से एप्लिक किया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा, ये एक मरून कलर की लेस मुझे लकीली मिल गई, कुछ इसी तरह की लेस इसके ऊपर लगी हुई थी, और ये रिंग्स जो हैं ये टेलर ने बनाए हैं। उसके बाद ये ऑर्गेन्जा सेम कलर का हमने डाई करवाया है, और दामन पर बिल्कुल वैसे ही लगाया है जैसे पिक्चर में लगा हुआ है। उसके बाद ये एक लंबी सी लेस है जो कि इसकी दामन से लेकर पूरे आर्म होल तक जा रही है, जिसकी वजह से हमने शर्ट को जो है थोड़ा सा लूज़ रखा है, मे बी फिटिंग में जो है वो हाफ इंच का फ़र्क आ जाए। उसके बाद एक और एप्लिक है, इसके आर्म होल की लेस है, ये पूरी एप्लिक हुई है। उसके बाद इसका गला फ्रंट का पूरा एप्लिक हुआ है, और ये सारा जो है, अगर आप इसकी अनस्टिच की वीडियो देखें तो इसके अंदर जो है वो पूरा ऑर्गेन्जा था, पूरा ये सारा ऑर्गेन्जा निकाल दिया है, और एक एक पत्ती जो है वो एप्लिक है, और ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर ही काम हुआ है। तो बस इसकी स्लीव्स भी बिल्कुल वैसी ही पिक्चर की तरह हैं, यहाँ से बॉर्डर एप्लिक हुआ है, दोनों साइड से ये एप्लिक हुआ है। उसके बाद ये लेस है, और ये रिंग्स टेलर ने बनाए हैं, और ये है इसका ऑर्गेन्जा का बॉर्डर। तो ऑर्गेन्जा इसके जिन लोगों को स्पेशली इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है स्टिचिंग की, तो उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बैक पे भी वैसे ही दामन पे ऑर्गेन्जा लगाया, रिंग्स लगाए, और ये मरून कलर लेस लगाई, और बाकी जो है बैक प्लेन है। अच्छा, ये बैक का गला है, ये मैंने अनस्टिच वीडियो में भी मेंशन किया था। बैक के गला भी पूरा जो है एप्लिक हुआ है दोनों साइड से, और सेंटर में जो है ये बूट चौड़ी पाइपिंग है। अच्छा, बैक में हमने ये प्लीट्स इसलिए ऐड कर दी हैं क्योंकि फ्रंट से थोड़ा सा लूज़ रखा है, तो इससे ये होगा कि कमर का शेप बहुत अच्छा आ जाएगा, और ये फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। सो ये शर्ट है, और लेंथ हमने इसकी बनाई है 46 इंचेस, हमें इतनी ही चाहिए थी, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल थी क्योंकि ये पूरा प्लेन कपड़ा था। अगर ज़्यादा समझने में किसी को मुश्किल हो तो ये इसकी अनस्टिच की वीडियो देख लें, ये पूरा बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था, और इस पर जो है ये सारा काम इसके ऊपर एप्लिक हुआ है, अदरवाइज़ शर्ट स्लीव्स और सारा जो है फैब्रिक बिल्कुल प्लेन था। उसके बाद इसका दुपट्टा है जैकार्ड टाइप का, दुपट्टे के ऑल साइड पर जस्ट किरण लगाई है, और अंदर की साइड पे कॉटन सिल्क की ही पट्टी लगाई है, ये किरण जो है इसकी जरी से मैच करती हुई है। कोई एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर नहीं था, बहुत रीज़नेबल प्राइस के सूट्स हैं ये, बट ये है कि इनकी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट अच्छी खासी आ जाती है। अच्छा, पैंट पे भी बिल्कुल वैसे ही हमने दो कलर के फैब्रिक से, ये कॉटन सिल्क फैब्रिक है, और ये पैंट का ही फैब्रिक था, इसके बाहर ये जो है आउटलाइन करवाई है, स्कैलप बनवाए हैं, एग्जैक्ट जैसे पिक्चर में बने हुए वैसी, तो आई एम श्योर कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, पिक्चर जैसा सिला हुआ में और हमने जैसा स्टिच किया है। सो दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।